एक कलाकार देख लिया, एक साहित्यकार देख लिया, आध्यात्मिक की ओर झुकाओ, धर्म की ओर झुकाओ, और उनकी सबकी अपनी अपनी व्याख्या जी। एक शब्द इन दिनों, मतलब ये सवाल राजनीतिक नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, व्यावहारिक सवाल है। आप सुन रहे होंगे इन दिनों की सब जगह हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की गूंज आ रही है किसी तरीके से। होता क्या है शायद नहीं लोग जानते हैं, लेकिन दो शब्द है, एक हिंदू राष्ट्र, एक राम राज्य। क्या अंतर पाते हैं आपको आप इसमें, और क्या जरूरी आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो देश को और दुनिया को और मानवता को ऊंचाई पर ले जा सकती। देखिए, अगर आप परमात्मा श्री राम का जीवन चरित देखेंगे तो परमात्मा श्री राम के जीवन चरित में यह है कि वो तो शबरी जो अंतिश थे उनके घर भी चले गए, उनके जूठे बेर भी खा लिए। वो निषाद राज जो पृथक रहते थे उनको भी गले से लगा लिया। जो केवट वो उनके पास भी चले गए। उनके एक गुरु विश्वामित्र जी थे जो ब्राह्मण थे, और उनके दूसरे गुरु विश्वामित्र जी थे जो क्षत्रिय थे, और दूसरे गुरु वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे। तो एक तरफ उन्होंने वशिष्ठ जी से भी शिक्षा ली है, और दूसरी तरफ उन्होंने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की एक दूसरे के प्रति बनती नहीं थी, ऐसा पुराणों में मिलता है, तो उनसे भी शिक्षा ली। तो जो निरंतर परस्पर विसंगतियों को भी साधने की क्षमता वाले होते हैं वो परमात्मा श्री राम होते हैं। और अगर वैसी अगर चेतना हमारे आपके जीवन में आ जाए तो हमको लगता है कि परमात्मा श्री राम की जो घोषणा हुई है, जो उन्होंने घोषणा की है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूं व्यापा, और सब नर करें परस्पर प्रीति चलें सदा सज्जन शुद्ध नीति वाली जो बात हम कर रहे हैं कि सब परस्पर प्रीति के साथ, तो फिर वो घोषणा चरितार्थ हो जाएगी कि हमारे और आपके अंदर दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आवश्यकता है कि हम राम को तो मानते हैं, लेकिन अब आवश्यकता है राम की मानने की। हमने परमात्मा श्री राम के चरण तो पूजे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अब आचरण को भी धारण हमें करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर जो उन्होंने घोषणा की है, परमात्मा जो घोषणा करते हैं वो व्यर्थ में घोषणा नहीं करते, तो घोषणा तो सार्थक होती है।